मकबूजा कश्मीर की पुलिस पाकिस्तानी रहनुमाओं और सहाफियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने लगी। वजीर आजम इमरान खान समेत सीनियर सहाफी हामिद मीर की ट्वीट को सबसे ज्यादा मॉनिटर किया जाता है। मकबूजा कश्मीर की पुलिस ने भारतीय सहाफियों को एक ईमेल भेजी जिसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की फहरिस्त मौजूद थी। भांडा फूटने पर काबिज पुलिस ने फौरी तौर पर उसे गलत करार दे दिया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर की पुलिस पाकिस्तानी रहनुमाओं और सहाफियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने लगी है। मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तजियाकार हामिद मीर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मकबूजा वादी में मजालिम तो जारी हैं ही, मगर जो बात करता है इस हवाले से सबसे ज्यादा, उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये मुझे कुछ दिन पहले ट्विटर की तरफ से एक ईमेल आई थी और उन्होंने वाजह तौर पर बताया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने आपकी कंप्लेंट की है। अब आज इंडियन मीडिया में एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है उसने आज दोपहर को एक प्रेस रिलीज जारी की और श्रीनगर में कुछ सहाफियों को प्रेस रिलीज भेजी और उसमें बताया जी कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान हामिद मीर एक और जम्मू एंड कश्मीर की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं शैला रशीद और कुछ जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मॉनिटर कर रही है और जो ट्वीट्स हैं हमारे उनके स्क्रीनशॉट्स बनाकर एक डॉक्यूमेंट जो है वो ईमेल के जरिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सहाफियों को भेजा गया। तो उसमें मेरे और इमरान खान साहब के अलावा एक जर्मन न्यूज वेबसाइट है डॉइचे वेले TW और एक टर्किश TRT, तो इनको भी मॉनिटर कर रहे हैं। और प्रेस रिलीज भिजवाने के बाद जब दी प्रिंट के एडिटर हैं शेखर गुप्ता, उन्होंने जब फोन पर पूछा जम्मू कश्मीर पुलिस के PRO को कि ये आपने प्रेस रिलीज जारी किया, तो ये आपने प्रेस रिलीज क्यों जारी किया, तो उन्होंने कहा जी कि ये प्रेस रिलीज जो है ये हमारे किसी अफसर ने गलती से जारी कर दी होगी तो हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो द प्रिंट मैगजीन की जो रिपोर्ट है अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बाद में फिर उन्होंने कहा जी इग्नोर दिस प्रेस रिलीज, लेकिन इसका मकसद जो है वो एक मैसेज देना है मुख्तलिफ न सिर्फ श्रीनगर के साथियों को बल्कि हमें ये मैसेज देना है कि जी हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं। ये वैसे तो हमें पहले से पता है क्योंकि ट्विटर की तरफ से मुझे बाकायदा ईमेल की गई और बताया गया जी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने आपकी कंप्लेंट की है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन हैरेसमेंट कर रही है। अब जब आप इस खबर में कुछ श्रीनगर के सहाफियों के नाम भी शामिल हैं, शैला रशीद का नाम भी शामिल है और शैला रशीद ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं, तो अगर उनका नाम मेरे नाम के साथ आ रहा है, इमरान खान साहब के नाम के साथ आ रहा है, तो उनको भी हरास किया जा रहा है और हमें भी हरास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो इंसानी हकूक के जो आलमी इदारे हैं और खास तौर पे जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है वो इस तरह ऑनलाइन हरासमेंट फैला रही है और सोशल मीडिया को न सिर्फ गैग कर रही है बल्कि एक प्रेस रिलीज जारी करना, जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रेस रिलीज जारी करना बहुत हैरान कुन है। इसका मतलब है कि एक तरह से उन्होंने हमें धमकी दी है, एक तरह से धमकी दी जा रही है। हामिद मीर साहब, आपको क्या लगता है इस तरह के हथकंडों से कोई फर्क पड़ने वाला है जिस तरह से आप अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं दुनिया भर के सामने कि जो भारतीय मजालिम इस वक्त मकबूजा वादी में जारी है? देखिए, अब ये जो रिपोर्ट है जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है कि प्रिंट की रिपोर्ट जो है इसमें श्रीनगर के एक साफी है अहमद अली फयाज, तो इमरान खान साहब के नाम के साथ हामिद मीर के नाम के साथ अहमद अली फयाज का नाम लिखा हुआ है। तो शैला रशीद तो चले एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं, अब उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया, तो चले वो तो एक पोलिटिकल एक्टिविस्ट होगी, लेकिन अहमद अली फयाज जो है वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट हैं और वो श्रीनगर में रहते हैं। तो अगर उनका नाम इस लिस्ट में डाल के तो एक प्रेस भी जारी की गई है, तो दरअसल ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जितने भी सहाफी हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के उन सबको थ्रेट किया गया और इसके अलावा वो तमाम इंटरनेशनल टीवी चैनल्स रेडियो चैनल्स जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में खबरें नशर करते हैं उनके नाम भी हैं इस प्रेस रिलीज में और सहाफी जो है श्रीनगर के उनको एक ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट भेजी गई है जिसमें कि स्क्रीनशॉट्स भी हैं, मेरी ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट हैं, इमरान खान साहब की ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट हैं
और इसी तरह डोचे वाले और टीआरटी के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके भी स्क्रीनशॉट हैं। तो ये जो एक्चुअली जो इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करने वाले साथी हैं उनको थ्रेट किया जा रहा है कि हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता हूँ तो मुझे भी मैसेज दिया गया कि हम आपको भी मॉनिटर कर रहे हैं, पैगाम दिया गया है कि मॉनिटर कर रहे हैं और एक तरह से थ्रेट किया गया है। सीनियर सहाफी तजियाकार हामिद मीर साहब, आपने अपनी राय दी, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सीनियर सहाफी हामिद मीर की ट्वीट को सबसे ज्यादा मॉनिटर किया जाता है। मकबूजा कश्मीर की पुलिस ने भारतीय सहाफियों को एक ईमेल भेजी जिसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की फहरिस्त मौजूद थी। भांडा फूटने पर काबिज पुलिस ने फौरी तौर पर उसे गलत करार दे दिया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर की पुलिस पाकिस्तानी रहनुमाओं और सहाफियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने लगी है। मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तजियाकार हामिद मीर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मकबूजा वादी में मजालिम तो जारी हैं ही, मगर जो बात करता है इस हवाले से सबसे ज्यादा उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें ये मुझे कुछ दिन पहले ट्विटर की तरफ से एक ईमेल आई थी और उन्होंने वाजह तौर पर बताया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने आपकी कंप्लेंट की है। अब आज इंडियन मीडिया में एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है उसने आज दोपहर को एक प्रेस रिलीज जारी की और श्रीनगर में कुछ सहाफियों को प्रेस रिलीज भेजी और उसमें बताया जी कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान हामिद मीर एक और जम्मू एंड कश्मीर की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं शैला रशीद और कुछ जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मॉनिटर कर रही है और जो ट्वीट्स हैं हमारे उनके स्क्रीनशॉट्स बनाकर एक डॉक्यूमेंट जो है वो ईमेल के जरिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सहाफियों को भेजा गया। तो उसमें मेरे और इमरान खान साहब के अलावा एक जर्मन न्यूज वेबसाइट है डॉचे वेले TW और एक टर्किश TRT, तो इनको भी मॉनिटर कर रहे हैं। और प्रेस रिलीज भिजवाने के बाद जब दी प्रिंट के एडिटर हैं शेखर गुप्ता, उन्होंने जब फोन पर पूछा जम्मू कश्मीर पुलिस के PRO को कि ये आपने प्रेस रिलीज जारी किया तो ये आपने प्रेस रिलीज क्यों जारी किया, तो उन्होंने कहा जी कि ये प्रेस रिलीज जो है ये हमारे किसी अफसर ने गलती से जारी कर दी होगी तो हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो दी प्रिंट मैगजीन की जो रिपोर्ट है अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बाद में फिर उन्होंने कहा जी इग्नोर दिस प्रेस रिलीज, लेकिन इसका मकसद जो है वो एक मैसेज देना है मुख्तलिफ न सिर्फ श्रीनगर के साथियों को बल्कि हमें ये मैसेज देना है कि जी हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं। ये वैसे तो हमें पहले से पता है क्योंकि ट्विटर की तरफ से मुझे बाकायदा ईमेल की गई और बताया गया जी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने आपकी कंप्लेंट की है, तो इससे ये पता चलता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन हैरेसमेंट कर रही है। अब जब आप इस खबर में कुछ श्रीनगर के सहाफियों के नाम भी शामिल हैं, शैला रशीद का नाम भी शामिल है और शैला रशीद ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं, तो अगर उनका नाम मेरे नाम के साथ आ रहा है, इमरान खान साहब के नाम के साथ आ रहा है, तो उनको भी हरास किया जा रहा है और हमें भी हरास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो इंसानी हकूक के जो आलमी इदारे हैं और खास तौर पे जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है वो इस तरह ऑनलाइन हरासमेंट फैला रही है और सोशल मीडिया को न सिर्फ गैग कर रही है बल्कि एक प्रेस रिलीज जारी करना, जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रेस रिलीज जारी करना बहुत हैरान कुन है। इसका मतलब है कि एक तरह से उन्होंने हमें धमकी दी है, एक तरह से धमकी दी जा रही है। हामिद मीर साहब आपको क्या लगता है इस तरह के हथकंडों से कोई फर्क पड़ने वाला है जिस तरह से आप अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं दुनिया भर के सामने के जो भारतीय मजालिम इस वक्त मकबूजा वादी में जारी है? देखिए अब ये जो रिपोर्ट है जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है कि प्रिंट की रिपोर्ट जो है इसमें श्रीनगर के एक साफी है अहमद अली फयाज, तो इमरान खान साहब के नाम के साथ हामिद मीर के नाम के साथ अहमद अली फयाज का नाम लिखा हुआ है। तो शैला रशीद तो चले एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं, अब उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया तो चले वो तो एक पोलिटिकल एक्टिविस्ट होगी, लेकिन अहमद अली फयाज जो है वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट हैं और वो श्रीनगर में रहते हैं, तो अगर उनका नाम इस लिस्ट में डाल के तो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है तो दरअसल
ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जितने भी सहाफी हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, उन सबको थ्रेट किया गया। और इसके अलावा वो तमाम इंटरनेशनल टीवी चैनल्स, रेडियो चैनल्स जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में खबरें नशर करते हैं, उनके नाम भी हैं इस प्रेस रिलीज में। और सहाफी जो है श्रीनगर के, उनको एक ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट भेजी गई है जिसमें कि स्क्रीन शॉट्स भी हैं, मेरी ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट हैं, इमरान खान साहब की ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट हैं, और इसी तरह डोचे वाले और TRT के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके भी स्क्रीन शॉट हैं। तो ये जो एक्चुअली जो इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करने वाले साथी हैं उनको थ्रेट किया जा रहा है कि हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता हूँ तो मुझे भी मैसेज दिया गया कि हम आपको भी मॉनिटर कर रहे हैं, पैगाम दिया गया है कि मॉनिटर कर रहे हैं और एक तरह से थ्रेट किया गया है। सीनियर सहाफी तजियाकार हामिद मीर साहब, आपने अपनी राय दी, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।